नीचे ए बी सी डी चार ऑप्शन दे दिए, मल का अर्थ यहाँ क्या है, मल ही है, धातु है, दोष है, या सब कुछ है, चार एक बहुत अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप में से सारे बच्चे पीजी की भी बहुत अच्छी तैयारी करें और एक बार जयपुर जरूर आना चाहिए कि पीजी का एंट्रेंस देने के लिए, है ना। तो समसनंतान रसान सर्वान, समसन, समसन किसको बोलते हैं, जहां पथ्य और अपथ्य दोनों को मिला के खाया जाता है उसको समसन बोलते हैं, है ना। तो ऐसी स्त्री जो समसन करती है, पथ्य और अपथ्य को मिक्स करके खाती है, इसका मतलब ये नहीं कि एक बार खाया और त्रिदोष योनि व्याप्त हो गया, नहीं, दैट शुड बी कंटिन्यूएशन ऑफ दैट निदान, है ना, जो उस पॉजिटिव फैक्टर को लगातार सेवन करती है। समसंत्यान समसंत्या रसान सर्वा, सभी रसों का, है ना, जैसे वहां क्या कह दिया, कप कप को दूषित करने वाले रस आ गए, पित्त में क्या कह दिया, कटुअम ललवण क्षाराद्य ही पित्त को ही दूषित करने वाले, यहाँ कहते हैं छह के छह रस, है ना, क्या सर्वान रसान, सभी रसों का उपयोग करती है बहुलता से, फिर क्या होना है, तीनों ही दोष प्रकोपित हो जाने हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, समस्नंत्या रसान सर्वान दूषित्वा त्रयोमला, समसन भी किया, तीनों रसों का अधिक सेवन भी किया, तो क्या तीनों दोष खराब हो गए, खराब हो गए, दूषित हो गए, मलिनी रूप में आ गए, तो त्रयोमला, है ना, तीनों मल रूप कार्य में आ गए, अपना प्राकृत कार्य छोड़ दिया। योनि गर्भाशय स्थाः, योनि और गर्भाशय में स्थित होकर, है ना, वहां, है ना, गर्भाशयस्थ, है ना, वहां पहुंचकर क्या स्वैर योनिम युंजन्ति लक्षणे ही, है ना, अपने अपने लक्षणों से उसको ग्रसित कर देते हैं योनि और गर्भाशय को, कौन, त्रयोमला, है ना, त्रयोमला में जैसे पित्त ज्यादा प्रकोपित है तो पित्त के लक्षण अधिक आएंगे, कफ और वात के थोड़े कम रहेंगे, वात के ज्यादा है तो पित्त कफ नीचे, है ना, तो तीन में से एक दोष डोमिनेंट रहेगा। स्वैर योनिम युंजन्ति लक्षणे ही, अपने अपने योनि, योनि से यहां विजयना नहीं है, है ना, जैसे जांगम योनि, समझ रहे हो, स्थावर योनि, वो योनि शब्द है कि अपने अपने लक्षणों से उसको ग्रसित कर देते हैं, उसको दूषित कर देते हैं। लास्ट वाला सा भवेद दासुलाता श्वेत पिछलवानी, सा माने वह लेडी की बात है, क्या करती है, दाह शूल श्वेत पिछलवाहिनी, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई त्रिदोष योनि व्यापद में तीन ही लक्षण होते हैं, एक दाह होगी, एक शूलार्ता, शूल से ग्रसित होगी, तीसरा श्वेत पिछलवाहिनी, श्वेत वर्ण का स्त्राव और पिछिलता, चिपचिपा लिते हुए ऐसा चिपचिपा स्त्राव करने वाली होगी, नहीं, ये सिर्फ एक वायु का, एक पित्त का, एक कफ का, है ना, श्वेत पिछिल कफ, शुलार्ता वात, दाह पित्त, तीनों का एक एक लक्षण दे दिया। ऐसे बहुत सारे, जैसे चरक ने उसमें लिख दिया वात दान चापरान गदान, अन्य वात रोग होते हैं, है ना, ऐसे यहाँ अन्य वात रोग, पित्रो कफ रोग, तीनों समझने हैं कि एज पर द सीवियरिटी ऑफ द प्रोवोकेशन ऑफ द त्रिदोषास, है ना, देयर मे बी मैनिफेस्टेशन ऑफ द सो मेनी सिम्टम्स एज पर द प्रोवोकेशन, कितना है, मध्यम दृष्टि है, है ना, अल्प दृष्टि है, अति दृष्टि है, तो इस चीज के अनुसार वो सारा ही मिलेंगे। सारा मुझे लगता है कि लगभग समझ में आ ही गया। कपिला आगे चले बेटा, ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये पता नहीं जल्दी से कमांड लेता नहीं, जब ये गोट चलती है ना, तीन बार करो तो भी नहीं लेता, चलो नेक्स्ट आ गया, है ना। नेक्स्ट है रक्त पित्त करे नारिया, जैसे मैंने शुरुआत में जब क्लास की शुरुआत की तब आपको बताया था कि इसमें सिर्फ गायनेकोलॉजी का वर्णन नहीं है, इसमें ऑब्स्टेट्रिक्स के भी कुछ पोर्शन का वर्णन है ना। तो यहाँ आप 16 नंबर के इस श्लोक में देख सकते हैं, रक्त पित्त करे नारिया रक्तम पित्तेन दूषितम अति प्रवर्तते योन्याम लब्धे गर्भे अपि शास्त्रजा, है ना। तो लब्ध मानी प्राप्त करना, लब्धे जिसने गर्भ प्राप्त कर लिया है, गर्भे अपि, तो लक्षणों में लिखा है आर्तवम अदर्शनम आस्य संस्रवण अन्नाभिलाष छद्य अरोचक अम्ल कामता च विशेषण, है ना। व्यक्त गर्भा के लक्षण में पहला लक्षण के है आर्तव का अदर्शन, आर्तव बंद हो जाता है। तो
चरक जी कह रहे हैं कि योन्याम लब्धे अपि, है ना, कि गर्भ की प्राप्ति हो जाने के बाद भी अति प्रवर्तते, है ना, रक्त की योनि से अति प्रवृत्ति होती है, जबकि प्रेगनेंसी में होनी नहीं चाहिए। लब्धे गर्भे अपि अति प्रवर्तते योन्याम, योनि से गर्भ की और योनि से रक्त की अति प्रवृत्ति होती है। स्तासृजा, उसे असृजा योनि व्यापद कहते हैं। वो कब होता है? रक्त पित्त करेर नार्या, रक्त और पित्त के दूषित करने वाले सभी आहार विहारों का जब महिला नारी सेवन करती है तब क्या होता है? रक्तम पित्तेन दूषितम, पित्तेन तृतीया विभक्ति, रक्त पित्त के द्वारा क्या होता है? दूषित हो जाता है। रक्तम पित्तेन दूषितम, है ना, रक्त पित्त के द्वारा दूषित हो जाता है। तो लब्धे गर्भे अपि, प्रेगनेंसी होने के बावजूद भी, गर्भिणी होने के बावजूद ही अति प्रवर्तते योन्याम, रक्तम अति प्रवर्तते योन्याम, रक्त की योनि से अत्यधिक प्रवृत्ति होती है। सासृजा, उसे असृजा योनि व्यापद कहते हैं, है ना। तो यहाँ आचार्य का कहने का मतलब ये है कि ये गर्भपात होने से बचाया जा सकता है। अति प्रवृत्ति तो है ना, वरना वो फिर वो कंप्लीट और इनकम्प्लीट अबॉर्शन वाली बात में उधर में चले जाएंगे, है ना, कि सब कुछ तो निकल ही गया, ऐसी सब बातें उन्होंने चरक संहिता सारी स्थान में कह ही रखी है, है ना, मगर ये अलग से कहने की उनको आवश्यकता पड़ी। यानी जो परिहार्य गर्भस्राव की जो चिकित्सा है ना, एक अपरिहार्य जिसको रोक नहीं सकते, एक परिहार्य जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, है ना, बच्चे को बचा सकते हैं, ये उसकी बात है कि रक्त और पित्त के निदानों का सेवन करने से जब रक्त पित्त के द्वारा अत्यधिक दूषित हो जाता है तब योनि से रक्त की अति प्रवृत्ति गर्भिणी होने के बावजूद भी होती है, उसे असृजा योनि व्यापद कहते हैं। ठीक है, कपिला आगे कर ले। ओके है ना, चलो। योनि गर्भाशयस्थम चेत पित्तम, है ना, चेत अगर, क्या योनि और गर्भाशय में स्थित पित्त, चेत अगर संदूषित अश्रुक, है ना, हम सबको पता ही है कि विवाद पित्त कब पूरे शरीर में आश्रित रहते हैं, फैले रहते हैं, उनका अपना कार्यकारी जो पॉइंट है उसके ऊपर उनका काम चलता रहता है। तो यहाँ गर्भाशय और योनि में स्थित पित्त संदूषित अश्रुक, है ना, अगर अश्रुक का वो अश्रिक को दूषित कर देते हैं, संदूषित अश्रिक, है ना, अश्रिक को दूषित कर देते हैं तब क्या होता है? कार्श्य वैवर्ण्य जननी वृषम, वृषम माने बहुत ज्यादा, कार्श्य माने दुबला पतलापन, वैवर्ण्य माने वर्ण की विवर्णता यानी डिसकलरेशन, जननी, है ना, पैदा होती है वृषम, बहुत ज्यादा कार्श्य, बहुत ज्यादा वैवर्ण्य। सारजस का, उसे अरजस का योनि व्यापद कहते हैं, है ना। यहाँ अरजस का से चक्रपाणी जी या चरक जी कहना चाहते हैं अनार्तवा, है ना, अरजस का इति अनार्तवा, यानी अ शब्द ज्यादातर रूप में संपूर्ण निषेध के लिए लिखा गया है। अ अरजस का, रज मानी मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो और अ मानी बिल्कुल निषेध, मगर कहीं कहीं चरक और चक्रपाणी की टीका से पता चलता है कि अ शब्द से अल्प निषेध यानी मैक्सिमम 99% तो निषेध, मगर थोड़ा सा तो है ना, किंचित पॉजिटिविटी, 98% निषेध, है ना, ऐसा भी कुछ रेफरेंस बीच बीच में पढ़ेंगे, जब मिलेंगे तब मैं आपको बताऊंगी, है ना, मगर यहाँ बिल्कुल निषेध है, अ मानी निषेध है, है ना। जैसे अभी आगे हम एक पढ़ेंगे अचरणा, एक पढ़ेंगे अतिचरणा, एक पढ़ेंगे प्राक चरणा, तीनों चरक ने लिख रखे हैं, है ना। अ मानी यहां बिल्कुल फिर से निषेध है, अचरणा, है ना, वहां फिर से निषेध ही आएगा, पूरा पूरा निषेध, है ना, किस विषय का निषेध हम उस योनि व्यापद में देखेंगे। तो योनि और गर्भाशय में रहा हुआ पित्त अगर संदूषित अश्रिक, है ना, अश्रिक को दूषित कर देता है तब कार्श्य वैवर्ण्य जननी वृषम, अत्यधिक, वृषम मानी बहुत ज्यादा, कार्श्य वैवर्ण्य आप सभी शब्दों से परिचित है, कोई ऐसा शब्द ही नहीं है उसमें कि ना समझ में आए,
तो उसे अरजस का इति अनार्तवा है ना, इसको अरजस का योनि व्यापल्य कहते हैं, है ना। नेक्स्ट कर ले। चलो नेक्स्ट आ गया, योन्याम अधावनात है ना, अचरणा योनि व्यापद आ गया जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। तो देखो यहाँ तीन योनि व्यापद है, अचरणा, प्राक्चरणा, अतिचरणा है। तो चरणा शब्द कॉमन है, तो चरणा शब्द से यहाँ चरक जी एक पर्टिकुलर प्रकार का विहार को इंडिकेट कर रहे हैं, विहार है ना। जैसे अचरणा की वेजाइनल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए मगर नहीं कर रहे हैं। प्राक्चरणा, समय से पूर्व व्यवाय का आचरण हो रहा है। अतिचरणा, व्यवाय का अति आचरण हो रहा है ना। तो तीनों में विहार जन्य बातें बताई है, अचरणा, अतिचरणा, प्राक्चरणा। जैसे यहाँ योन्याम अधावनात है ना, महलन तो हो जाएगा और अ वहां से अलग हो जाएगा है ना, म में अ मिला हुआ है। योन्याम अधावनात, योनि को नहीं धोने से यानी प्रक्षालन रूपी हाइजीन को नहीं करने से क्या होता है, कंडुम जाता कुर्वन्ति जंतवः, जाता उत्पन्न होना। तो कंडुम खुजली, योनि को न धोने से कंडुम जाता है ना, कंडु उत्पन्न होती है और कुर्वन्ति जंतवः है ना, जंतवः से यहां कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति बता रहे हैं चरक है ना। तो जंतु ऑर्गेनिज्म है ना, जंतव है ना, तो अलग अलग प्रकार के वहां प्लूरल है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति हो जाती है ना। सा स्यात अचरणा, उसे अचरणा योनि व्यापद कहते हैं, सा स्यात अचरणा उसे अचरणा योनि व्यापद कहते हैं। कंडवा खुजली के कारण, कंडवा खुजली के कारण तया वह लेडी अति नर कांक्षिणी, अत्यधिक नर से व्यवाय की इच्छा रखती है ना। इस तरीके से वहां कहा गया है। हालांकि हमने अभी 2-3 साल पहले एक अचरणा योनि व्यापद पे रिसर्च करवाया और हमें एक उसमें जो 20-20 ग्रुप में पेशेंट लेते हैं, ए ग्रुप में 20 पेशेंट, बी ग्रुप में 20 पेशेंट, तो वो 40 पेशेंट में तया अति नरकांक्षिणी ये सिम्टम नहीं मिला है ना। तो बड़ा सैंपल साइज छोटा है, हो सकता है 10,000-20,000 महिलाओं पे अचरणा योनि व्यापक का काम करे, रिसर्च करे, तो देर में भी है ना मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है, ऐसा कुछ कह नहीं सकते है ना। जैसे मैंने आपको चक्रपाणी की उस व्याख्या में कहा था कि भाई 20-22 साल बाद कोई पेशेंट मिला है कि जिसमें वो ही बात मिली है ना। तो यहाँ हमें ऐसा समझना चाहिए कि भाई हो सकता है कि उतनी अधावनात से जंतवह नहीं हुई है जिससे अति नरकांक्षिणी हो सके है ना। तो यहाँ इस तरीके से समझा जाना चाहिए, योन्याम अधावनात, योनि को धावन नहीं करने से, योनि प्रक्षालन नहीं करने से कंडुम जाता कुर्वन्ति जंतवह है ना, जंतुओं की उत्पत्ति हो जाती है और खुजली उत्पन्न होती है। सा स्यात अचरणा, उसे अचरणा योनि व्यापद कहते हैं। कंडवा खुजली के कारण तया वह लेडी अति नरकांक्षिणी है ना, अत्यधिक नर की आकांक्षा करती है ना, व्यवाय की इच्छा रखती है। नेक्स्ट करते हैं इसमें। चलिए तो क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, आगे आ गया है ना, एक ही से। बेटा पता नहीं नेक्स्ट वाला वो श्लोक ही नहीं आ रहा है, सीधा 96 आ रहा है। एक मिनट में चरक खोल लेती हूँ, आप अपना अपना खोल लो। पता नहीं इसमें ई चरक में क्या हो गया, थोड़ा सा अभी 20 मिनट है हमारे पास। जी है ना, अचरणा तक हमारा हो गया है ना, सातवां योनि व्यापद है अचरणा। ठीक है, वहां से हम अगर आगे करते हैं तो ये है अतिचरणा, पवनो अति व्यवाये ना, है ना, आप सबने तो चरक लेके खोल के रखी हुई है ना। पवनो अति व्यवाये ना सोप सुप्ति रुजह स्त्रिया,
रुजह स्त्रियः करोति कुपितो योनो सा च अतिचरणामता, है ना, उसको अतिचरणा कहते हैं। किसको? पवनो अति व्यवायेन, है ना, जैसे मैंने बताया था कि यह अति व्यवाय रूप यहाँ निदान है, जैसे यहाँ योन्याम अधावनात निदान था, है ना, अचरणा में, ऐसे यहाँ अति व्यवायेन, अति व्यवाय करने से क्या, शोप सुप्ति रुजह स्त्रियः, है ना, तो शोप सूजन होती है, सुप्ति हम देख के आई गए, सुप्ति क्या होती है, सुप्ति नंबनेस, है ना, सुप्ति श्रुप्ति नहीं है, पिपलिका सुप्ति है, है ना, तो ये सुप्ति है, तो नंबनेस हो जाती है और रुजह पीड़ा होती है ना, तो अति व्यवायेन कुपितो पवनो, कुपितो शब्द नेक्स्ट लाइन से लेना पड़ेगा, अति व्यवायेन कुपितो पवनो क्या, योनो शोप सुप्ति रुजह करोति, है ना, योनि में रुजा सुप्ति यानी नंबनेस, स्पर्श ज्ञान का अभाव और शोप मानी सूजन को करता है, ठीक है, तो तब क्या होता है कि करोति कुपितो योनो साच अतिचरणामता, बस दो ही बात लिखी है, अति व्यवायन निदान है, लक्षण करता है शोप सुप्ति रुजस्त्रिया, है ना, और साच अतिचरणामता, उसे अतिचरणा योनि व्यापक कहते हैं, है ना, तो ये अति आचरण व्यवाय करने से यहाँ अतिचरणा नाम का योनि व्यापद हो रहा है। तीसरा प्राकचरणा, मैथुनात अति बाल आया पृष्ठ कटि उर्वंशणम, है ना, तो व्यवाय की एक उम्र बताई है, है ना, इसी तरीके से अगर बाला और बाला से भी अति बाला, बहुत छोटी लड़की, है ना, तो अत्यधिक छोटी अवस्था वाली लड़की जो अति बाला, मैथुनात व्यवाय करने से पृष्ठ कटि उर्वंशणम, है ना, तो कहाँ कहाँ पीड़ा होती है, पृष्ठ कटी पुरु और वंक्षण, सारे शब्दों से आप परिचित हो, एनाटॉमी में सब कुछ पढ़ के आए हैं, है ना, तो किस एरिया को हम पृष्ठ कहेंगे, कटी कहेंगे, उरु कहेंगे, है ना, तो रुजन दुष्यते योनिम, है ना, तो जो अति बालायात मैथुनात, है ना, रुजन दुष्यते योनिम, है ना, तो अति बाला स्त्री के साथ व्यवहार करने से प्रकुपित हुआ वायु पृष्ठ कटी उरु वंक्षण में रुझा कर देता है योनिम वायु को, प्राकचरणा हिसा, उसे प्राकचरणा योनि व्यापद कहते हैं, ठीक है, उसे प्राकचरणा योनि व्यापद कहते हैं। नेक्स्ट उपप्लुता योनि व्यापद, दसवां योनि व्यापद हम आ गए, उपप्लुता योनि व्यापद, जिसमें कहा गया है कि गर्भिण्या, है ना, जैसे गर्भिणी स्त्री क्या करती है, श्लेष्मल अभ्यासात, गर्भिणी स्त्री जैसे उष्ण तीक्ष्ण व्यवाय व्यायाम वर्जनिया नाम, चरक संहिता सूत्र स्थान 25 में आप पढ़ के आए हैं कि गर्भिणी को उष्ण तीक्ष्ण आहार व्यार लेना नहीं चाहिए, है ना, तो अब क्या लेना चाहिए, सौम्य लेना चाहिए, आप गर्भिणी परिचर्या में भी पढ़ेंगे ये मधुर औषधियों से सिद्ध दुग्ध, मधुर औषधियों से सिद्ध दुग्ध से निकाला हुआ घी, उसमें मक्खन, उसमें ना, तो सारा कुछ मधुर श्लेष्मा को बढ़ाने वाला, क्योंकि हमें गर्भ का तर्पण करना है, हमें प्रॉपर गर्भ वृद्धि चाहिए, बच्चा आयु जीआर में नहीं जाना चाहिए, और मदर का शरीर भी डिलीवरी के लिए और नेक्स्ट लैक्टेशन के लिए तैयार होना है, है ना, तो उसकी भी तैयारी है, क्योंकि देखा गया है कि अगर न्यूट्रिशनल वैल्यू कम रह जाती है तो फिर लैक्टेशन अच्छी तरह एस्टाब्लिश नहीं हो पाता, है ना, तो ये सारी को देखते हुए हम श्लेष्मा चीजें तो देते ही हैं, मगर फिर भी जो आवश्यकता से उससे भी ज्यादा हो गई हो, गर्भिण्या श्लेष्मा अभ्यासात, है ना, तो गर्भिणी बहुत ज्यादा श्लेष्मा श्लेष्मल वस्तुओं का उपयोग कर रही है, तथा छर्दी निश्वास निग्रहात, है ना, जैसे हम सभी जानते हैं कि भाई फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नौजिया वॉमिटिंग रहती है ना, मगर वो निग्रहात रोकती है उसको, निश्वास निग्रहात, निग्रहात माने बलपूर्वक रोकना, है ना, निग्रहात तो रोकना, जैसे छर्दी को रोका निश्वास, निश्वास आप जानते ही हैं, है ना, कि कोई भी श्रम से जब सांस फूल जाती है तो उसको बलपूर्वक रोकना, है ना, तो ऐसा अगर वृद्धि गर्भिणी करती है तो क्या होता है, वायु क्रुद्धम, है ना, वायु प्रकुपित हो जाता है, क्रुद्ध हो जाता है, और करता क्या है, कफम योनिम उपनय, उपनय का अर्थ होता है ले जाकर, तो
कुपित हुआ वायु कफम योनिम उपनिया, कफ को लेकर योनि में जाता है ना, वायु क्रुद्धम कफम योनिम उपनिय, उपनिय में ले जाकर क्या करता है, प्रदूषित है ना। तो वायु क्रुद्धम कफम उपनिय योनिम, प्रदूषित योनि को प्रदूषित करता है, बड़ा हुआ वायु कफ को ले जाकर योनि को, योनिम प्रदूषित योनि को दूषित करता है। फिर लक्षण क्या क्या होते हैं, पांडु है ना, पांडु वर्णता होती है, सतोदम आस्त्रावम है ना, तोद के साथ आस्त्राव होता है यानी श्रवण होता है, कैसा, श्वेतम स्रवति वा कफम, किस प्रकार का स्राव होता है, या तो श्वेत वर्ण का या म्यूकोइड टाइप है ना, ऐसा स्राव होता है। कफ वात मया व्याप्ता है ना, तो देखो कफ और वात आमय व्याप्ता, आमय मानी रोग है ना, कफ वात मया व्याप्ता आमय मानी रोग, तो कफ और वायु के रोगों से व्याप्त रहती है, जैसे वात दांशा अपरान गदान ऐसे कहा ना, वातला योनि व्यापक में चरकने, क्योंकि बहुत सारे वात जैसे रोग हो सकते हैं, अपरान गदान वात जान, तो ऐसे वात कफ वात मया व्याप्ता, वात कफ जनित आमय, वात कफ जनित आमय, कफ वाता मय आमय है ना, आमय मनी रोग व्याप्ता, शाशात योनि उपप्लुता है ना, उपप्लुता योनि व्यापक पे बहुत सारे जामनगर में बीएचयू में यहाँ रिसर्च हुए हैं है ना, जिसमें बहुत अच्छा लक्षण बहुत अच्छा रिलीफ भी मिलता है, जो विभिन्न योग भी आप चरक संहिता चिकित्सा स्थान में आगे देखेंगे कि उपप्लुता योनि व्यापद में है ना किस प्रकार की औषधियों का उपयोग किस तरीके से करना चाहिए, और उसका पेशेंट भी मिलते हैं, और उसके अनुसार रिसर्च हम जब करते हैं पीजी में तो उसका रिजल्ट भी मिलता है ना। तो हम यहाँ उपप्लुता योनि व्यापद को समझ सकते हैं कि कफ वातम या व्याप्ता सास्यात योनि उपप्लुता। यहाँ ये चीज भी देखने की है कि जैसे अगर आप पीजी की तैयारी करना चाहते हैं, या एग्जामिनर भी पूछ सकता है वाइवा में, चलो पीजी तो नहीं करनी, वाइवा में पूछ सकता है, ऐसा योनि व्यापद बोलो कि जो गर्भिणी में होता है, दो योनि व्यापद पढ़ लिया हमने कि जो गर्भिणी में होता है, 20 पढ़ लेंगे तो और भी आपको पता चल जाएगा है ना, एक तो हो गया उपप्लुता और एक कौन सा हो गया, लब्धे गर्भे अपि कपिला, देखना पड़ रहा है, डंडा लेके आओ पिटाई करूंगी, दो एक ने भी वीडियो नहीं ऑन करके रखा है, हाँ बिल्कुल असरीजा होता है, ठीक है। तो एमसीक्यू में या वाइवा में दोनों में ये पूछा जा सकता है ना, कि भाई किस प्रकार से, और सॉरी कौन सा योनि व्यापद गर्भिणी में होता है, यानी गर्भिणी ऐसा डिस्क्रिप्शन लिखा है ना, जैसे अरजस का कोई गर्भिणी की बात नहीं है, वातला कोई गर्भिणी की बात नहीं है ना, तो लब्धे गर्भी असृजा वहां गर्भिणी की बात है, तो निम्न में से कौन सा योनि व्यापद गर्भिणी में बताया गया है, नीचे चार योनि व्यापद के नाम लिख देंगे, समझ गए, एमसीक्यू के अगर हम सोचे तो, और अगर वाइवा में है तो वो तो ऑप्शन देगा नहीं एग्जामिनर, तो वो तो सीधा ही पूछेगा, दो या एक योनि व्यापद बताइए जिसका इसमें उल्लेख है, ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि गर्भिणी में होने वाले गर्भिणिया श्लेष्माचासात सर्दि निश्वास निग्रहात वायु कृतम कफम योनि है ना, पांडुम सतोदम आस्त्रावस्तम श्वेतम सर्वति वा कफम कफवात मया व्याप्ता योनिशात उपप्लुता, ठीक है। नेक्स्ट पित्तला या नृसंवास यानी परिप्लुता योनि व्यापद, जो मैंने वातला में आपको कहा था वातला या है ना, वातला चेष्टाया वातला या समीरणा, तो यहाँ पित्तला या है ना, तो पित्तला यानी पित्तल प्रकृति की स्त्री है पहले से ही, और फिर वो इन निदानों का सेवन करती है, क्या, नृ संवासे यानी व्यवाय के समय क्षवथु उद्गार धारणा है ना, क्षवथु और उद्गार दोनों शब्दों से आप परिचित है, उसको अगर धारण करती है एट द टाइम ऑफ व्यवाय है ना, तो पित्तलाया नृ संवासे है ना, पित्तल प्रकृति की स्त्री है, क्या होता है, पित्त सम्मूर्छितो वायु, पित्त चे मूर्छित हुआ वायु, पित्त सम्मूर्छितो वायु योनिम दूष्यति स्त्रियाहा, तो स्त्रियाहा योनिम दूष्यति, ये अन्वय हो गया उसका है ना, अन्वय मानी हम जो हिंदी भाषा बोलते हैं उसके अनुसार अरेंजमेंट्स ऑफ द पद
है ना। पद आप जानते ही हैं, पद किसको बोलेंगे, है ना। तो जो पद है उसके अरेंजमेंट्स अपने हिंदी के अनुसार कर दी हमने, तो स्त्रियाः योनिम् दुष्यति, कैसा, पित्त सम्मूर्छितो वायु, स्त्रियाः योनिम् दुष्यति, पित्त से सम्मूर्छिता वायु स्त्री की योनि को दूषित करता है। क्या होता है, सूना स्पर्शा क्षमा, सूना सूजन होती है, स्पर्शा क्षमा स्पर्श असह्यता, और है ना सहन नहीं कर पाती, है ना। जैसे आप किसी पेशेंट का फॉर एब्डोमेन एग्जामिनेशन करने जाओ और उसको पेट में बहुत दर्द है ना, तो अभी डॉक्टर ने उसके पेट पे हाथ लगाया नहीं है, अभी तो उसको 10 इंच की दूरी पे है, तब भी वो मना कर देता, है ना, अभी हाथ ही नहीं लगाया। इसको बोलते हैं स्पर्शा क्षमा, है ना, यानी स्पर्श को वो सहन नहीं कर सकता, है ना। तो यहाँ ये कहते हैं कि पित्तला यांद्रो सवासे क्षवतु उद्गार धारणात्, है ना, तो सूना स्पर्शा क्षमा, है ना, तो वहां सूजन आ जाती है, स्पर्श के लिए अक्षम हो जाता है। सार्ति, और सार्ति माने पीड़ा, अर्ति, अर्ति के साथ, पीड़ा के साथ, नील पित्तम अश्रिक स्रवेत, नील वर्ण का, पित्त वर्ण का अश्रिक, ये स्त्रावजन्य लक्षण है ना, इसका श्रवण करता है। क्या होता है, श्रोणि वंक्षण पृष्ठार्थी ज्वरार्ताया परिप्लुता, है ना, जिसमें श्रोणि वंक्षण पृष्ठ अर्ति, अर्ति शब्द सभी के साथ लगेगा, श्रोणि वंक्षण पृष्ठ, है ना, तो श्रोणि अर्थी, वंक्षण अर्थी, पृष्ठ अर्थी, है ना, तो श्रोणि में पीड़ा, पृष्ठ में पीड़ा, वंक्षण में पीड़ा, ज्वरार्ताया परिप्लुता, है ना। तो वहां परिप्लुता में वो लेडी ज्वर से भी ग्रसित रहती है ना, ज्वर से भी ग्रसित रहती है, आर्ता माने ग्रसित होना, ज्वर से ग्रसित रहती है ना। तो पितला या अनुसंवा से क्षमत उद्गार धारणा, पित्त सम्मूर्छित तो वायु योनिम दूषित स्त्रिया, सुना स्पर्शा क्षमा सार्थ नील पित्तम अस्तिक प्रवे, श्रोणी वंशन पृष्ठार्थी ज्वरार्ताया परिप्लुता, है ना। तो परिप्लुता योनि व्यापद में इस तरीके से श्रोणी वंशन और पृष्ठ में भी पीड़ा रहती है ना। तो ये अपना यहां तक हो गया, 11 योनिव्यापद हो गए, बस अब 9 ही बाकी है, थोड़ा सा समय है ना। तो एक बार मैं सोच रही हूँ कि सारे बच्चे एक बार, है ना, अपना वो है, बच्चे सारे बच्चे एक बार ऑन कर लीजिए कैमरा, इसको फुल कैसे करेंगे, मुझे वो भी नहीं आता है बच्चे, ये फुल में कैसे जाएगा, सारे बच्चे तो बंद करके ही बैठे हैं भाई। मैम वो नीचे स्लाइड शो का है ना, हाँ जी बेटा, कैसे बताऊं, है नीचे वो टॉप बेटा, मैम वो स्क्रीन तो शेयर हो रही है, आप जाइए वापस जहाँ पीपीटी है, वो हाँ पीपीटी बंद कर दूँ ब्लैंक ऐसे, हाँ प्रेजेंटेशन, नहीं, जाओ पीपीटी के, हाँ 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 अभी मैम वो 63% वगैरह है, यहाँ नीचे बॉटम में 63% जूम वगैरह वो है ना, नीचे नीचे बटन में सबसे, 63%, वो पता नहीं, वो उसमें कुछ समझ में तो आ नहीं रहा बेटा, ये व्यू एवरीवन कर रखा है, मैं तो सोच रही थी कि सारे बच्चे दिखे एक बार, बच्चे में से मिलना ही नहीं चाहते, फिर क्या करें बच्चे, ये कुछ अलग अलग सा हो गया। हाँ मैम वो चल तो इसमें जो एक्टिव कैमरा है सबने ऑन तो कर कोई है तो लेना दिख चाहिए, रहा है। अच्छा बच्चे चलो, सारे बच्चे ये पीजी वाले बच्चे तो मेरे को है ना, किरण और तुम और ऐसे, तो जब मिलो एनआईए में तब पूछ लेना, ये जो कपिला वाली बैच बच्चे कुछ पूछना है तो कुछ बच्चे बस, तो हम
मैम जो निदान है भी बोल लिया बेटा है ना जी मैम, मेरा नाम पलक। ओके जी मैम, मैं पटियाला कॉलेज से हूँ, पटियाला कॉलेज मैम फोर्थ ईयर स्टूडेंट जी। जी पलक बताइए जी मैम, जो निदान है योनि व्यापद का उसमें जो आर्तव दृष्टि है हाँ जी और जो बीज दोष है मैम उसके बारे में थोड़ा बताइए। चक्र पाणी में जो लिखा है उसके अनुसार तो दोनों में ही आर्तव दृष्टि आ रहा है, तो मैम उसके बारे में थोड़ा मेरा डाउट है। हाँ नहीं मैं पता है अभी यूजी लेवल पे तो चक्र पाणी पढ़ाती नहीं हूँ, तो इसका क्लिनिकली हम जो उसका अर्थ ले सकते हैं ना, है ना, इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो गर्भ संभव सामग्री में ऋतु क्षेत्र अंबु बीज शब्द है ना। आपको मैं ना एक बात और बताती हूँ जो मेरे टीचर ने मुझे कभी बताई थी। मेरे टीचर्स ने मुझे ये बताया था कि बेटा चक्रपाणी पढ़ो मगर तुम चक्रपाणी से भी ज्यादा अच्छा सोच सकते हो। ये मेरे गुरु के वर्ड्स है, मेरे नहीं है, क्योंकि मैं पता है चक्रपाणी से कहीं दूर दूर तक मेरा अस्तित्व नहीं पाती हूँ, मैं बहुत कम हूं उनसे, मगर मेरे गुरु जी ने मेरे पंखों में इतना हौसला भरा है कि बेटा चक्रपाणी हमारे जैसे ही थे, 11वीं शताब्दी में थे और हम भी ऐसा ही सोच सकते हैं, तुम भी ऐसा सोच सकते हो, है ना। ये मेरे गुरु के वर्ड्स है तो मैं उन्हीं के वर्ड्स कोट कर रही हूँ। जामनगर में गुलाब कौर आयुर्वेद महाविद्यालय की स्टूडेंट रही मैं और वहां मेरे टीचर्स के द्वारा मुझे कहा गया था, है ना। तो आप देखिए कि चार प्रकार के निदान है ना, मिथ्या आहार विहार, प्रदुष्ट आर्तव, बीज दोष और देव। और आज हम देखते हैं कि ड्यू टू हार्मोनल इम्बेलेंस देर इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द सो मैनी डिसीज, सो मैनी गड़बड़ियां, है ना। और एलोपैथी डॉक्टर्स तो पीसीओडी हो गया, हिर्सुटिज्म हो गया, हॉर्मोन्स में गड़बड़ है, एक ही शब्द बोलते हैं। तो चरक है ना, आज तो हम डिटेल में पढ़ते हैं ना बेटा दूसरी साइंस से ये चीज, तो हम अपनी साइंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि चरक जी, चरक आचार्य जी ये पॉइंट कैसे छोड़ सकते थे। बिल्कुल नहीं छोड़ सकते थे। मैंने चक्रपाणी पढ़ के आपको नहीं पढ़ाया है, मैं इसका सीधा क्लिनिकली बता रही हूँ। एक यूजी का स्टूडेंट अगर इसको पढ़ता है तो कहता है एक श्रद्धा और भावना, एक विचार ऐसा आपको मन में लगातार रखना चाहिए, जो मेरे ये भी मेरे टीचर ने मुझे कहा था कि चरक इज द बेस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड। और हमारे गुरु जी क्या करते थे है ना कि भाई जैसे दूल्हा होता है ना, दूल्हे को तो कौन प्रेस करता है, चाहे काला हो, पीला हो, नाटा हो, बाल कतली हो, कुछ भी हो, दूल्हे की माँ प्रेस करती है, अरे मेरा राजा बेटा। तो चरक दूल्हा नहीं है कि हम भारतीय है इसलिए हमारी चरक संहिता है तो हम तो प्रेस करेंगे ही करेंगे भाई, है ना, हमारे पास कोई चारा नहीं है। नहीं, अनेक विदेशी विद्वानों के नाम मेरे गुरु जी बोलते थे। अब यूजी में तो इतनी बेटा अकल भी कहाँ होती है, मेरे में तो थी नहीं इतनी, है ना, बहुत सारे विद्वानों के नाम बोलते थे। आप कहोगे तो मैं कहीं से ढूंढ ढांड के भी बताऊंगी, है ना। तो उन विद्वानों के नाम से बोलते थे कि उस विद्वान ने चरक के लिए ये बोला कि चरक संहिता इतनी बढ़िया बुक है, है ना। इवन एक विद्वान ने तो यहां तक बोल रखा है चरक के बारे में, दुनिया के सारे चिकित्सा ग्रंथ जला दो, चरक इज क्वाइट सफिशियंट टू हैंडल द हेल्दीनेस ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, यहां तक बात बोली है। और ये भारतीय मूल का भी नहीं था और भारतीय भी नहीं था, समझ रहे हो, ये कुछ भी नहीं था, तब भी उसने चरक की इतनी प्रेस की है। तो मैंने उस आर्तव का आपको एक युक्ति युक्त प्रैक्टिकल फॉर्म देने की कोशिश की कि भाई हाँ ये आर्तव शब्द से, क्योंकि बीज उधर आ ही गया जी, बीज उधर आ ही गया। और ये बहिर पुष्प अंतर पुष्प है ना, तो देखो अंतर पुष्प के लिए हम बीज लेते हैं ओवम, बहिर पुष्प मानी मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो है ना, तो वो आर्तव से लिया जा सकता है। और प्रदुष्ट बहिर पुष्प है ना, प्रदुष्ट बहिर पुष्प जैसे ओलिगोमेनोरिया 35 दिन में ज्यादा आएगी है ना, हाइपोमेनोरिया है ना क्वांटिटी में कम आएगी, तो ये आउटफ्लो से हमें पता चलता है। ओके, ओलिगोमेनोरिया कैसे पता चलेगा, आउटफ्लो से, कभी मेरा साइकिल इतने दिनों में 40 दिन में पूरा होता है, मेरा 40 दिन बाद भी मुझे मैप्रेट लेनी पड़ती है 10 मिलीग्राम 5 दिन के लिए, फिर ही आता है, यानी विथड्रॉल ऑफ द विथड्रॉल रीडिंग है वो, है ना। कैसे पता चला, आउटफ्लो से पता चला। आउटफ्लो क्या है, प्रदुष्ट आर्तव है, तो प्रदुष्ट आर्तव का
कंसर्न किससे हुआ? हॉर्मोनल इम्बेलेंस से हुआ बेटा, हुआ ना? ओके जी, धन्यवाद। हाँ जी बेटा, और कोई क्वेश्चन बताइए। नमस्ते मैम। हाँ जी बेटा नमस्ते, कौन सा बच्चा है? मैं दीक्षा। जी मैम, क्या बात है मेरा बच्चा। मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी यहाँ पे, मैंने कहा यार जिसको भी मन हो थोड़ा सा चेहरा दिखा दो। मैं सारे बच्चों को कहना चाहती हूँ, ये मेरी प्रिय स्टूडेंट है, यहाँ एमडी करके गई, अभी उदयपुर कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है ना? देख बेटा, गुरु भी असिस्टेंट प्रोफेसर और चेले भी असिस्टेंट प्रोफेसर, बहुत बढ़िया। अरे मैम, लेकिन आपको छू नहीं सकता कोई। बहुत ही बढ़िया, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मैम। यूजी के दिन पूरे रिवाइज हो गए, पीजी के दिन रिवाइज हो गए। अच्छा मैम, आगे भी सारे बिल्कुल। जी मैम बिल्कुल, यूजी भी आपके पास पढ़ा है मैंने, इसीलिए बेटा मैंने संडे का दिन रखा। मैंने कहा मेरे पता है पुराने सारे स्टूडेंट्स को मैंने लिंक भेज दी, मैंने कहा चल जा बच्चे दिख जाएंगे इसी बहाने। बहुत अच्छा लग रहा है दीक्षा, वहाँ डॉक्टर दीक्षा बहुत अच्छा काम कर रही है बेटा, उदयपुर में बहुत सारे पेशेंट्स ठीक कर रही है। बहुत बार है ना हमारी, बहुत सारी जैसे मेरी मेरे गुरु के साथ डिस्कशन होती है आज भी कि गुरु जी ऐसा पेशेंट आ गया क्या करे, तो मेरी और दीक्षा की भी होती है ना, तो हम गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करते हैं और बहुत अच्छा लगा बेटा, है ना? हाँ जी बेटा बताइए, और कोई क्वेश्चन बेटे, दूसरे बच्चे? एक बार ये इतने सारे जो डिब्बे दिख रहे हैं स्क्रीन पे, सारे बच्चे नाराज है क्या? एक बार तो खोल दो यार। हेलो गोविंद जी, ये है ना दीक्षा, कोई भी खोलता नहीं है बताओ। वो गोविंद देव जी मंदिर में भी देखो खड़े होते हैं ना, तो भगवान द्वार खोल देते हैं फिर कि भाई भगत आ गया, चलो भाई भगवान ने द्वार खोल दिया। ये मेरे बच्चे सारे है ना, जयपुर वाले भी पटियाला वाले भी सारे नाराज रहते हैं, कहते मैडम को दर्शन नहीं देने भाई, है ना, नाराज है बच्चे, देख लो। मैं कहती हूँ लास्ट में 5 मिनट खोल दिया करो। या फिर वो, हाँ जी बेटे नमस्ते। हेलो बोलिए बेटा। हाँ हाँ जी मैम, मैम बेवाय और मैथुन एक ही है या फिर अलग अलग है? एक ही चीज है बेटा, एक ही चीज है मैम। आएगा ना नील, देर आर सो मेनी सिनोनिम्स, है ना, जैसे सूपती है तो नंबनेस बोल देते हैं, मैथुन व्यवाय बोल देते हैं, है ना, एक और भी शब्द है उसके लिए सिनोनिम्स, मिथक नहीं, हाँ हाँ समस्याताम, है ना, तो ऐसे टफ टफ शब्द नहीं बोलती हूँ मैं, है ना। चरक संहिता सारी स्थान 8वें अध्याय में न च मिश्री भावम, हाँ मिश्री भावम इज आल्सो सिनोनिम्स ऑफ व्यवाय, मैं क्यों, तो मैम शब्द है। हाँ जी हेलो। हाँ जी बेटा बोलो। मैम मैम जो मतलब कि उपदंश होता है, हाँ जी, उसके लिए मैम सुश्रुत ने बोला है कि वो जो व्यक्ति है या अति मैथुन करता है या मैथुन करता ही नहीं। बेटा मैं उद्दंश की, बच्चा मैं उद्दंश की बात नहीं बता पाऊंगी, है ना, क्योंकि पता है मैं गायनी की टीचर हूँ बेटा, मैंने उधर वाली चीजें जो है ना इतना वो नहीं कर रखी है, और तुम कहोगे तो मैं पढ़ के बता दूंगी उपदंश को कि भाई हाँ ऐसा भी बताया, नहीं व्यवाय करना भी बताया, है ना, नहीं मैथुन करना भी बताया, तो देखेंगे बच्चा उसको। मैम वहां पे उन्होंने ना निदान में जो है दो निदान बताए हैं, अति व्यवाय और अव्यवाय, और अति मैथुन और अव्यवाय, अरे अमैथुन। मैम पर दोनों में, दोनों के निदान से होने वाले जो व्याधि है वो अलग अलग है जी, तो मैम अगर दोनों चीजें एक ही होती फिर तो मैम व्याधि भी एक ही होनी चाहिए थी बेटा। निचले लेवल पे इतना ऊपर तो मैं भी सोच के बताऊंगी, मेरे को नहीं पता है अमैथुन से क्या। मैं ये जरूर बता सकती हूँ कि अपनी पत्नी के साथ फर्टाइल डेज में, है ना, यानी देयर इज ए प्रोबेबल डेज ऑफ द ओवुलेशन में अगर कोई गृहस्थ व्यक्ति व्यवाय करता है तो उसको ब्रह्मचर्य कहा है, है ना। ब्रह्मचर्य का सामान्य अर्थ हम क्या लेते हैं? एब्स्टिनेंस इंटरकोर्स, अगर कॉन्टेक्ट नहीं है तो वो ब्रह्मचारी है या ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला है, ठीक है ना। मगर एक परिभाषा स्मृति ग्रंथों में यानी ओल्ड इंडियन लिटरेचर में ये भी दे रखी है, अपनी पत्नी के साथ फर्टाइल डेज में यानी पीरियड ऑफ द ओवुलेशन के आसपास में
अगर पितृ ऋण से उन ऋण होने की भावना से अगर व्यवाय किया जाता है तो उसको ब्रह्मचर्य ही कहते हैं, है ना। तो इसलिए बहुत सारी चीज है, चलो उसके बारे में कभी काय चिकित्सा में और ऐसे भी वहां देखेंगे, मौलिक सिद्धांत में भी इसकी व्याख्या के लिए जाना पड़ेगा कि अव्यवाय किस तरीके से कहा है, तो देखेंगे उसको, है ना। बाकी अभी यूजी लेवल में और आपकी एग्जाम्स को कंसंट्रेट करते हुए वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, क्योंकि सामान्य रूप से बच्चे क्या करते हैं पता है, संस्कृत पढ़ते ही नहीं है। जो मैं और मेरे क्लासमेट भी ऐसे ही थे, मैं यहाँ भी 15-16 साल से पढ़ा रही हूँ, वहां भी ऐसा ही है, सीध ट्रांसलेशन पढ़ना। और आपको आश्चर्य होगा, मैं इतने सालों से पेपर चेक कर रही हूँ, बच्चे क्या लिखते हैं, कोई भी निदान उठा कर लिख दो दुनिया का, कोई सा भी दोष वातपित कप में से प्रकुपित कर दो, योनि में गया और स्क्रीन शेयरिंग सबके वीडियोस इतना खतरनाक लिखते हैं जी मैम। हाँ जी, तो बस इस चीज को मैंने आज की क्लास में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन के माध्यम से देने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं आपका फेथ संहिता के ऊपर बने, है ना। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण है कि मैंने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन स्टूडेंट एज में पढ़ने रखी थी, टीचर बनने के बाद फिर ज्यादा पढ़ी, वहां कुछ ही पढ़ रखी थी, क्योंकि इतना तो समय नहीं होता है कि हम बिल्कुल एक एक वर्ड का डिसेक्शन करके पढ़े और फिर उसमें क्लिनिकल एस्पेक्ट को भी डाले, है ना। तो मैंने अब जब बाद में पढ़ी तो मैंने उसी श्लोक में से गलत नीचे ट्रांसलेशन होने के कारण जो मेरे से छूट रहा था, मैं अपने से पूर्वजों का किसी का अनादर नहीं कर रही हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ऐसी ट्रांसलेशन भी नहीं मिलती तो बेटा हम बिल्कुल गए गुजरे विद्वान बनते या विद्वान ही नहीं बनते हम तो, है ना। मगर हम विद्वता में उन लोगों ने हमें ट्रांसलेशन उपलब्ध करवाई आजादी के बाद, वही बहुत बड़ी बात है, है ना। मगर फिर भी उसमें थोड़ी थोड़ी कमियां है, है ना। हमसे इतने साल की टीचिंग के बावजूद भी वो दुरुस्त नहीं हो पाई है, है ना। आप सोचो कि भाई मुझे वो ट्रांसलेशन अच्छी नहीं लगी तो मैंने कौन सी कर दी, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं ऐसी ट्रांसलेशन भी कर सकूं, है ना। तो मुझे उसी से आज भी काम चलाना पड़ रहा है, मगर नो डाउट मैं पढ़ती रहती हूँ, संस्कृत की डिक्शनरी उठाती रहती हूँ, है ना। मेरे गुरुजनों से मैं, जैसे अभी डॉक्टर दीक्षा से बात कर रही थी जो मेरी स्टूडेंट भी है, है ना, तो मैं दीक्षा से भी डिस्कशन करती हूँ, और मेरी उपली पीढ़ी, मेरे आदरणीय गुरुजी परिमला मैडम, उनसे भी डिस्कशन करती हूँ जिनसे मैं पढ़ के आई जामनगर में, है ना। बहुत सारा पता है, इतना ज्यादा रिसर्च का स्कोप है। तो मैं एक बात यहाँ आपको कहना चाहूंगी कि जो मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए अलग अलग जगहों पे गेस्ट, तो मैं जहां तक आयुर्वेद के स्कॉलर्स, आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर्स, आयुर्वेद के चिकित्सक का, है ना, मैं किसी का देखो अनादर नहीं कर रही हूँ, खाने के लिए बोल रही हूँ कि हम पॉजिटिविटी से रहें। मैंने बहुत सारे सेमिनार्स में जब मैं बोलती हूँ ना कि ये योग काम करता है, तो आपको पता है उनमें से एक चिकित्सक उठ के मुझे ये पूछती है या पूछता है ऐसे अजीब सा इररिलेवेंट क्वेश्चन, तो मुझे कहीं ना कहीं बुरा लगता है आयुर्वेद के लिए, है ना। मेरे को तो देख नहीं आता है ना बेटा, तो मैं जैसे आज तेरे को कहा ना कि पढ़ूंगी उपदेश, सोचूंगी उस पे फिर बताऊंगी, नहीं आता भाई। सिर्फ इतना बेटा फर्क है कि तुम दुनिया में लेट आए इसलिए लेट पढ़ रहे हो, मैं तुमसे दुनिया में जल्दी आ गई, मैंने जल्दी पढ़ लिया, मेरी जगह तुम भी हो सकते थे, और कल को तुम्हारी नीचे की पीढ़ी आएगी ना वो भी ऐसे ही होगा, है ना, कि तुम उससे जल्दी आ गए तो तुमने जल्दी पढ़ लिया, है ना। तो देखो दो तरीके से हो सकता है बेटा, जैसे ही तुमने कुछ पूछा पहले तो मैं पूछने का मौका ना दूं, ठीक है, क्लास खत्म चलो जय सियाराम। दूसरा, पूछने का मौका दिया तो फिर डांटने लग जाओ, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता, मैंने अपने गुरुजनों की बड़ी सारी डांट खाई, और मुझे ऐसा लगता भी है कि उन्होंने डांटा इसीलिए मैं आज आपके सामने बैठी हूँ, मेरे को यूं बहुत ज्यादा लालन पालन करते हैं ना, तो मैंने गंदा बट्टा बनना था, मगर हमें बहुत डांट पड़ती थी, हम पूछने से पहले ना 10 बार सोचते थे कि यार जिद पड़ जाए भाई, तो इसीलिए है ना यथा योग्य समझ के करके फिर पूछने जाते थे। दीक्षा ने मुझे बहुत बार पूछा होगा, मैं दीक्षा को ये कहती थी पढ़ के आपको बताऊंगी, मैम उसका फायदा भी बहुत हुआ, देख लो ये मेरे स्टूडेंट, क्योंकि मेरे टीचर्स भी मुझे कहते हैं, मैम स्क्रीन शेयरिंग ऑफ, हां जी बेटा
मैम वो स्क्रीन शेयरिंग अगर ऑफ कर दिया ना आपने तो फिर सबके वीडियोस दिखेंगे, मतलब कैमरा दिखेगा सबका। अच्छा ये मैंने कहा ये मीटिंग ओवर ना हो जाए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा बेटा इसमें, ये जो स्क्रीन शेयरिंग में नहीं, 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 तो वो मीटिंग में वो करूँ क्या? हाँ हाँ क्रॉस है ना वो कर दीजिए मैम। अच्छा कट तो नहीं हो जाएगा? नहीं मैम कट नहीं होगा। बेटा क्रॉस करके देखती हूँ, अगर तो कट हो गया तो जय सिया राम, नेक्स्ट लेक्चर में रविवार को मिलेंगे, और अगर करके देखती हूँ ना। यस मैम। नहीं ये तो कह रहा है, ये तो मीटिंग कह रहा है बेटा, अच्छा हुआ नहीं हुआ, ये तो तुरंत ऑप्शन दे रहा है कि लीव द मीटिंग। मैम ये क्लोज कर दीजिए ना, ये तो स्क्रीन है वो। करूं बता मैम, पीपीटी वाली स्क्रीन क्या है? पीपीटी ओपन है ना, पीपीटी नीचे क्रॉस है मैम, मिनिमाइज है, मिनिमाइज है, ये चला गया। चल अब तो नहीं, मगर ये बच्चे ने है ना शटर खोल ही नहीं रखा बेटा, ये नहीं दिखेंगे। चल कोई नहीं, ठीक है बच्चे। तो इसलिए मेरा मतलब यहाँ ऐसा है कि भाई बिना गुस्सा किए नहीं आता है तो मना करूंगी मैं, है ना। मैंने पूछो दीक्षा को, दीक्षा बेटे आपके ऊपर कभी चिल्लाया? नहीं मैम बिल्कुल नहीं, तभी चिल्लाया जब हमने पढ़ा नहीं। मेरे 16 साल की कैरियर है टीचिंग कैरियर, 22 साल से चिकित्सा कर रही हूँ, 10 साल पढ़ने में चले गए, 32 साल से आयुर्वेद में हूँ, है ना। नहीं मैंने अपने जूनियर पे कभी चिल्लाया, और नहीं 16 साल में एक भी स्टूडेंट पे चिल्लाया। एक स्टूडेंट मुझे आके कह दे कि मैडम उस दिन आपने जलील करके मेरे को, मेरा एक गलती थी या नहीं थी वो अलग बात है, मगर आपने मेरे पे चिल्लाया, है ना। नहीं मिलेंगे बेटा, एक भी बच्चा नहीं मिलेगा। क्यों दीक्षा, आप 3 साल यहाँ रहे यूजी में यहाँ? जी मैम बिल्कुल। हमारा सिखाने का एटीट्यूड है, नहीं आता है तो पढ़ के बताएंगे, दूसरों से डिस्कस करके बताएंगे। आपको सोचना सिखाना मेरा काम है, और मेरे गुरुजी ने मुझे सोचना सिखाया, है ना। जस्ट बुक की रीडिंग नहीं करवाई, और जो मैं इसीलिए बता रही थी कि हमारे पंखों में इतना हौसला भरा मेरे गुरुजनों ने कि आज हम अच्छे चिकित्सक उनकी कृपा से हैं, और आज हमारे गुरुजी हमें वेरी गुड बोलते हैं। जबकि पता है 10 साल पढ़ने में मेरे टीचर ने मुझे, एक भी टीचर ने, एक भी सब्जेक्ट के टीचर ने मेरे को वेरी गुड नहीं कहा। कभी हम लाड करके पूछ भी लेते थे ना कि सर थोड़ा वेरी गुड दे दो, बोल दो, कहते अच्छे काम किया कर फिर मिलेगा। चलो कभी नहीं मिला बेटा 10 साल में, हम एक वेरी गुड सुनने के लिए तरस गए थे मगर हमें 10 साल में नहीं मिला। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने बच्चों को पता है वेरी गुड बहुत जल्दी बोल देती हूँ कि क्या पता बच्चा और मेहनत कर ले, क्या पता बच्चा और क्रिएटिव हो जाए, है ना, क्या पता आयुर्वेद का सच्चा सिपाही बन जाए, है ना। तो हम कह रहे हैं ना। अच्छा बच्चे और कोई क्वेश्चन? हेलो। हेलो मैम। हाँ जी मैम नमस्ते। नमस्ते, फोटो नहीं दिख रही बेटा। हाँ अब दिखी, बताइए मैम। मैं डॉक्टर सुगीता, मैम दिल्ली से बोल रही हूँ। हाँ जी नमस्कार डॉक्टर साहब जी, मैम कैसे हैं? जी थैंक यू मैम, बहुत प्यारा लेक्चर आपका हर बार ही होता है। मैम मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को अपने रजस वाला चर्या भी शुरू कर दी जो आपने लास्ट टाइम बताई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सारे बच्चों से एक बार निवेदन करती हूँ कि आप सभी एक रजस वाला चर्या का एक रजिस्टर बनाए, उसमें पेशेंट के हाथ से या अपने हाथ से, है ना, उसका नाम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, और पेशेंट से एक रिक्वेस्ट और करे कि 10 लोगों को और बताए, है ना। मेरे सारे स्टूडेंट है ना दीक्षा सहित सभी लोगों को मैं यही कहती हूँ, एक रजिस्टर बनाओ, हमारे पास डॉक्यूमेंटेड डेटा हो जाएगा बेटा, है ना, और आप पाओगे कि वो पेशेंट फिर से वही तकलीफ लेके नहीं आएगी, है ना। हाँ जी बताइए डॉक्टर साहब। मैम मेरा एक क्वेश्चन था मैम, अभी आपने उपलुता जो योनि व्यापद बताया उसमें जो संप्राप्ति थी उसमें लिखा हुआ है कि आपको अगर गर्भिणी छर्दी के वेग को रोकती है, हाँ जी है ना, तो हाँ उसको ये प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं मैम। तो जैसे कि इतना ये वाला तो मैम जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर उसमें बहुत ज्यादा वॉमिटिंग और नोजिया रहता है, तो मैम नॉर्मली हम उसको कोई ना कोई कोशिश करके कि उसका वॉमिटिंग कम हो या रुक जाए वो कोशिश करते हैं, तो इज इट रॉन्ग? नहीं, औषध की बात नहीं की है बेटा, है ना। जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी है ना, उसको उल्टी आ रही है, छर्दी आ रही है, मगर वो जैसे उछलता हुआ कोई द्रव्य है स्टमक में, उसके वेग को रोक रही है। जैसे
वोमिटेप सिरप दे दिया हमने कि दो दो चम्मच दिन में तीन बार देना है, चरक का है वोमिटेप सिरप, बहुत अच्छे रिजल्ट है। हाँ जी मैम, टैबलेट भी आती है। ट्रीटमेंट करना और निग्रह करना अलग बात है बेटा, हम उपचार कर रहे हैं। अगर आप फोर्सिबली रोक रहे हो तो दैट इज रॉन्ग है बेटा। मैम मैं कह रही थी कि अगर आप उसको फोर्सिबली रोक रहे हो है ना, वो गलत है, लेकिन आप उसका बिल्कुल, जैसे जैसे मैं बहुत सारी गर्भिणी को ये बताती हूँ, दीक्षा को पता है कि ओपीडी में कि नींबू चूसना शुरू कर दो है ना, कि इतनी मिचली होती है ना और अंदर साला कुछ होता नहीं, मिचली होके ऐसे ऊपर ऊपर का वेग आता है ना, तो नींबू चूस लो थोड़ा सा, तो नींबू चूस मैं भी नींबू और जिंजर ही बताती हूँ, जिंजर वातानुलोमन हो जाता है, और वातानुलोमन होगा तो वो तुरंत ही सर्दी के लिए जो एक इम्पल्स आती है वो तुरंत बंद हो जाती है जी। ठीक है। अच्छा मैम, एक आपने वेजाइनल हाइजीन के बारे में बताया था जी बेटा। मैम इसमें तो नॉर्मली जल से लिखा हुआ है ना, बट बहुत सारे हमारे इसमें पीएच बैलेंस करने वाले एलोपैथ के भी या फिर ऐसे वेजाइनल वी वॉश एंटी वॉश जैसे आते हैं, मैम आयुर्वेद में ऐसा हम क्या दे सकते हैं जिसे हम नेचुरली फीमेल्स को बोले कि हाँ दिस इज दिस यू कैन यूज एज हाइजीन वॉश। मेरी मैडम से एक बार बात हुई थी कुछ समय पहले की बात है, मेरी गायनी वाली मैडम जहां मैं पढ़ के आई थी है ना, डॉक्टर परिमला शर्मा मैडम, तो मैडम है ना मना कर रही थी कि अगर आपका खान पान ठीक है और वातपीत कफ आपकी समावस्था में है तो रूटीनली डोंट यूज एनी वी वॉश लाइक एनी आइटम या सब्सटेंस है ना। मेरी मैडम से बात हुई थी क्योंकि ओपीडी में ऐसे पेशेंट आ रहे हैं कि लास्ट 3 months से वी हैव यूज्ड वीवर्स बट स्टिल देर इज नो रिलीफ, एंड देन आफ्टर वी हैव विजिटेड मॉडर्न हॉस्पिटल एंड अगेन नो रिलीफ, देन आफ्टर है ना, क्योंकि हम लोगों की पहली चॉइस नहीं है बेटा, हम दूसरी चॉइस है, तीसरी चॉइस है ना, तो वो बाद में हमारे पास आते हैं। तो मेरी मैडम ने तो रूटीनली कुछ नहीं है तो करने से मना किया है। पता है इसके लिए मैं सभी बच्चों को एक चीज कहना चाहती हूँ कि अगर देखो वी वॉश जैसी कोई एक चीज ठीक होती तो जहां चरक नेत्र में अंजन बता रहा है तो वेजाइनल डूस बताने में उनका कुछ जाता था क्या? दिनचर्या में एक डूस नहीं बता सकता था कि महिला से रिलेटेड ये दो बातें अलग है भाई, नहीं था मुझे। तो मुझे इस बात को सोच के बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन के, अगर जरूरी होता तो चरक लिखता, जब चरक सिर में मालिश हर रोज बताता है, सर पैरों के तलवों की मालिश हर रोज बताता है ना चरक में, आपने पढ़ रखा है, तो फिर वी वॉश जैसा कोई आइटम प्रतिदिन यूज करने के लिए या मेंसिस के सिवाय के दिनों में यूज करने के लिए चरक ने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जरूरी नहीं था है ना। जैसे अगर कमल का पत्ता है ना, लोटस लीफ है ना, उसके ऊपर एक बूंद लेके आप खड़े हो जाओ 1 घंटा 5 मिनट 2 घंटा है ना, क्या होगा? वो कमल का पत्ता उस पानी से भीगेगा नहीं। तरीके से इफ अवर डिफेंस सिस्टम इज साउंड, वह डिफेंस सिस्टम के साउंड होने की बात है ना, तो रूटीनली डोंट यूज एनी वेजाइनल वॉश। तो सीधा सा मतलब यह है कि ऐसे पेशेंट्स में एक बार समान और अपान की दृष्टि को दूर करो, रिकरेंस रेट अगर है वेजाइनल इन्फेक्शन है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, और साथ में कुछ जो भी आपको औषधि दे दो, मगर चिकित्सा कौन सी करनी पड़ेगी? समान और अपान की। ज्यादातर पता है हम क्या, अच्छा भूख ठीक लगती है? हाँ लगती है, हम समान के लिए कोई चिकित्सा नहीं लिखते। हमारे यहाँ एनआईए में राष्ट्रीय संस्थान में आदरणीय प्रोफेसर सुशीला शर्मा मैडम है ना, मैं मैडम के पास बहुत सारी चीजें सीखी, मैडम लीफ 52 और अविपत्ति कर चूर्ण है ना, ये कपिला ये स्टूडेंट्स को भी पता है, वो हमेशा लिखती है लीफ 52 दो दो टेबलेट दो बार और साथ में अविपत्ति कर चूर्ण एज पर नीड है ना, कभी दोनों लिखेगी कभी एक आधा लिखेगी, ऐसे ऑन एंड ऑफ एज पर द नीड ऑफ द पेशेंट है ना, तो वहां लिखती है वो मैडम। तो जबकि पेशेंट ने तो ये कहा है कि मेरी तो अच्छी भूख है ना, मगर समान का बहुत एक्टिव रोल होता है अपान को गड़बड़ करने में है ना, तो हम ऐसा यहां ले सकते हैं कि भाई है ना आंसर के उसमें।
ओके ठीक है हाँ थैंक यू मैम। तो नहीं हम रेकमेंड करेंगे है ना, पेशेंट को बोल देंगे कि देयर इज नो नीड एक्चुअली इफ यू आर नॉट रूटीन में लेने की नहीं जरूरत है, नहीं रूटीन में लेने की नहीं जरूरत है। जैसे मैंने अभी एक चीज करने की वो करी है कि जैसे कोई मेरे पास पेशेंट आता है ना, और अगर वेजाइनल साइड उसको कोई भी सिम्टम है, हमने पीवीपीएस में लिया, तो मैं एक जात्यादि तेल का पीछू या धातक्यादि तेल का पीछू या फिर तिल तेल का पीछू, या कई बार वो पेशेंट है ना अनएजुकेटेड ऐसे यूं बहुत ज्यादा, जैसे जैसे अपने सरकारी में तो बहुत सारे गरीब लोग जो समझते ही नहीं है कुछ भी, ऐसे लोग आते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, सिर्फ जो भी तेल उपलब्ध है धातक्यादि जात्यादि या तिल तेल उसका अलेप कर देती हूँ है ना, जस्ट पुट द फिंगर ऑन द पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल एंड जस्ट पोर 2-3 ml मेडिकेटेड तेल इनसाइड एंड जस्ट गो फॉर द 2-3 round इन द पोस्टीरियर फोर्निक्स लैटरल फोर्निक्स एंड अपर फोर्निक्स एंड ऑल अराउंड द वेजाइनल पार्ट ऑफ द सर्विक्स है ना, और बहुत अच्छा तेल आलेप हो जाता है। तो आप प्रिवेंशन में ये चीज कर सकते हैं कि पीवीपीएस में तो लेते ही है पेशेंट को, जस्ट गो फॉर 1 yoni आलेप और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट है ना, क्योंकि योनि आलेप इतना डीप तक जाके आप जानते हो कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल एंड एंटीरियर वेजाइनल वॉल, इतना पेशेंट कर ही नहीं सकता। वी वॉश किस बात की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल जेनिटालिया को धोने की बात कर रहे हैं right. बताओ है ना, इतना डीप तक कहां, ऑर्गेनिज्म तो उधर पड़ा है भाई, तो वहां हमारा तेल मेडिकेटेड तेल विथ ऑल एसेप्टिक है ना एंटीसेप्टिक मेजर्स लेके हम जो पहुंचेंगे तो उसकी तो बात ही कुछ और है ना, और योनि आलेप इज ए वेरी गुड मेजर है ना, आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। और बल्कि आप इसको देखिए, अगर मैं तो यहां तक ध्यान रखती हूँ मेरे पेशेंट का कि NIAP हॉस्पिटल तक आने का किराया क्या है, वो कहती है बेचारी कि मेरे 80 रुपये लग जाते हैं, मैं उसको रोज नहीं बुलाती हूँ बेटा, मानवता रखनी चाहिए बेटा, भगवान ना करे हम गरीब होते तो हमारा क्या हाल होता, डॉक्टर सिर्फ अच्छी दवाई लिख के अपना पल्ला झाड़ लेता तो क्या हाल होता। तो मैं अपने पेशेंट को यहां तक पहुंचती हूँ कि बेटा यहां तक आने का किराया कितना, कहते 80 रुपये है ना, तो मैं कहती हूँ बेटा घर की जिम्मेदारी 2-4 दिन किसी को दे के यहीं रुक जा, दोनों टाइम का खाना पीना दूध फल सब कुछ सरकार देगी, हम तुम्हारी यहाँ सेवा पानी कर देंगे। और या फिर एवरी 7 days में वो जब दवाई लेने आती है अपनी रिपीट करने के लिए आती है, तब उसका बढ़िया सा हम एक योनि आलेप कर देते हैं है ना, जरूरत हो तो पहले त्रिफला क्वाथ से डूश कर देते हैं है ना, फिर योनि आलेप करते हैं, और अगर सब कुछ ओके है तो उसको प्रिवेंटिव फॉर्म में योनि आलेप करते हैं। क्यों? क्योंकि तिल तेल का एक गुण बताया है कि योनि दोष हर, आप चरक संहिता सूत्र स्थान में देखिए तिल तेल के गुण स्नेह अध्याय में है ना, वो योनि दोष में बहुत अच्छा बताया, सिंपल तिल तेल है ना, बिल्कुल बेटा नहीं बात हर तो है ही, वो इसे उसे नहीं वाता रहते योनि नारीनाम संप्रदूषित ऐसे काम कर लेगा, मगर वो योनि दोष पे निश्चित रूप से चरक ने बताया बेटा है ना, तो इसलिए वहां प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों एस्पेक्ट से हम पेशेंट में है ना योनि आलेप का उपयोग कर सकते हैं। और अगर पेशेंट वेल एजुकेटेड है बहुत समझदार है तो उसको जो जॉनसन एंड जॉनसन के टेम्पून्स आते हैं ऑटोक्लेव होते हैं इंडिपेंडेंटली वन टेम्पून रैप होता है ना, तो उसको अच्छी तरह से हाथ धो के दूसरी जगह को बिना छुए एक टेम्पून लेके उसको तेल में डिप करके जो मेडिकेटेड या जो है ना, मगर उसमें बहुत सारा ध्यान रखना पड़ेगा जो हम पीवीपीएस में ध्यान रखते हैं ना बेटा, तो इतना पेशेंट कहाँ कर पाता है। इसलिए बहुत जब तक यूं हमें ओवर कॉन्फिडेंस वो नहीं रखना है कि ये पेशेंट तो कर ही लेगी ना, पहले सोचो कि पेशेंट नहीं कर पाएगी, क्योंकि कल को इन्फेक्शन बढ़ गया ना बच्चे तो उसने फिर अच्छी बातें नहीं बोलनी हमारे लिए, तो इसलिए उसको करो कि कृपया करके मेरे पास आइए या तो कृपया आईपीडी में आ जाइए है ना, दो में से एक चीज है, दवाई हम लगाएंगे क्योंकि पेशेंट से नहीं हो पाता बेटा इतना है ना। जी ओके थैंक यू ओके बेटा थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनी स्टूडेंट्स? ज्योति कहाँ गई? ज्योति चली गई बच्चे? ज्योति ज्योति जैन पता नहीं, चलो हो गई होगी, चलो शायद उसको कुछ काम होगा। ठीक है फिर दीक्षा ओके मैम।